हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, टुडेज़ टॉपिक जॉब एनालिसिस। सो गाइस, जॉब एनालिसिस के बारे में हम पढ़ेंगे, जो एचआरएम का एक छोटा सा टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट है और कन्फ्यूजन भी होती है इसमें। तो आइए देखते हैं जॉब एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब क्या होता है, अब इसको देखते हैं, पहले इसको समझते हैं। गाइस, एनालिसिस का मतलब होता है कि अगर किसी चीज़ के लिए हमें डिसीजन लेना है तो उसके बड़े पार्ट को देखते हुए नहीं, बल्कि उसके छोटे छोटे पार्ट को हम देखेंगे और उसको केयरफुली ढंग से हम उसको जज करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, उसके बाद हम जिस डिसीजन लेंगे उस बड़े पार्ट के लिए। अगर मैं ये एक एग्जाम्पल के थ्रू, जनरल एग्जाम्पल है गाइस ये, कि अगर हमें घर बनाना है तो हम ऐसा नहीं कर सकते ना कि ईंट लेकर आ जाओ और सीमेंट लेकर आ जाओ। हमें तो पता होना चाहिए ना कि कितना बड़ा घर होगा और उसके लिए कितनी ईंटों की जरूरत होगी, कितने सीमेंट्स की जरूरत होगी। तो हम पहले उसको एनालाइज करेंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा मंगा के ईंट रख दिए, सीमेंट रख दिए, रेत रख दिए, ऐसा नहीं। तो हमें इसको जानना होगा कि कितने कितना बड़ा घर बनाना है और उसके लिए कितने मतलब ईंटों की जरूरत हो सकती है या फिर रेत की। इसी तरीके से जॉब एनालिसिस का मतलब होता है कि जॉब के बारे में डिसीजन लेना और कौन सी जॉब है, किस पोस्ट के लिए है, उसके लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, मतलब उसकी जो उसके अंदर क्या क्या काम करना काम मतलब उसके अंदर क्या क्या काम होंगे और उस काम को करने के लिए कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो पर्सन कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें हम जॉब एनालिसिस के अंदर देखते हैं। तो जॉब एनालिसिस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है जॉब जॉब डिस्क्रिप्शन और सेकंड जॉब स्पेसिफिकेशन। तो जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे गाइज। देखो, इस जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब ये होता है, अगर मैं बिल्कुल ही आसान शब्दों में बोलूं, कि अगर कहीं भी किसी भी जॉब के लिए, जॉब के रिक्रूटमेंट के लिए अगर एडवर्टीजमेंट दिखाई देता है तो उस एडवर्टीजमेंट को ही हम जॉब डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो आइए एक बार हम और देख लेते हैं। फर्स्ट है जॉब डिस्क्रिप्शन इज दैट एडवर्टीजमेंट। देखो, जॉब डिस्क्रिप्शन में जो भी एडवर्टीजमेंट है, चाहे वो आज के टाइम में जैसे न्यूज़पेपर समझ लो, न्यूज़पेपर है, या जैसे कि ईमेल के थ्रू जो वेबसाइट पे दिया रहता है वो हो गया, या कोई जैसे एक्सचेंज हो गया, जॉब एक्सचेंज, वहाँ पे ये सारी जो जहाँ भी मतलब जॉब के बारे में ये जितनी भी एक फॉर्म है उन सबको ही बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। उसके बाद इट डिफाइंड ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए स्पेसिफिक जॉब। अब देखो, जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए क्या क्या ड्यूटीज होनी चाहिए, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए उस जॉब को करने के लिए। वो एक स्पेसिफिक जॉब, मतलब कि अगर मैं मान के चलूँ कि जैसे कि अकाउंटेंट की जॉब है, उसके अकाउंटेंट के जॉब के लिए क्या क्या उसकी ड्यूटी है, मतलब जो अकाउंटेंट जॉब कर रहा है उसके लिए क्या ड्यूटीज हो सकती है, उसकी जिम्मेदारियां क्या क्या हो सकती हैं, वो सारी चीजें जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखी होती हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन इज इंफॉर्मेशन अबाउट जॉब। देखो, यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि जो जॉब है उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। एग्जाम्पल के लिए जैसे जॉब का टाइटल क्या है, जॉब का लोकेशन क्या है, जॉब समरी, मतलब जॉब समरी में थोड़ा थोड़ा सा सारा चीज दिया रहता है कि हाँ उसकी उसमें क्या क्या चीजें करनी है, कितना काम करना है, कौन सा काम करना है, ड्यूटीज दी होती हैं कि किस तरीके की परफॉर्मेंस उसमें करनी है। ठीक है गाइज, आई होप समझ में आया होगा गाइज। अब जॉब स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं। सो गाइज, जॉब स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है कि वो एक पर्टिकुलर जो जॉब है उसके लिए कैसे पर्सन की जरूरत है। हमने जो ऊपर बात किया कि जॉब सिर्फ जॉब के बारे में, पर एक पर्टिकुलर जैसे अकाउंटेंट की जॉब है, मैंने अभी एग्जांपल लिया, तो उस अकाउंटेंट की जॉब के लिए कैसे पर्सन की जरूरत है, हम इसके बारे में जॉब डिस्क्रिप्शन में बात करते हैं। तो आइए देख लेते हैं। जॉब स्पेसिफिकेशन इज इंफॉर्मेशन अबाउट जॉब सीकर।
यानी कि जो जॉब स्पेसिफिकेशन है वो क्या क्या है, जॉब सीकर यानी जो जॉब करने वाला पर्सन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया होता है। इंट स्टेटमेंट ऑफ द मिनिमम एक्सेप्टेबल ह्यूमन क्वालिटीज रिक्वायर्ड जॉब, यानी कि जो जॉब करना है यानी जैसे अकाउंटेंट की जॉब करनी है उसके लिए जो ह्यूमन बीइंग चाहिए उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन की कितनी ज़रूरत है, ये होता है जॉब स्पेसिफिकेशन में। इसके अलावा और क्या क्या होता है, ए जॉब स्पेसिफिकेशन इंक्लूड मिनिमम लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन, स्किल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल कैरेक्टर, बिहेवियर कैरेक्टर, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती है जॉब स्पेसिफिकेशन में कि जो पर्सन है जो जॉब लेने वाला है या जो जॉब को करेगा उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, जो जॉब करेगा उसमें स्किल कितनी होनी चाहिए, उसका फिजिकल यानी कि उसकी हाइट वेट वगैरह वगैरह ये कितना होना चाहिए, साइकोलॉजिकल मतलब वो किस तरीके से किस तरीके का वो पर्सन है या और हमारे जॉब के लिए क्या वो सुटेबल रहेगा या नहीं रहेगा, ये सारी चीज़ें हम उसमें जॉब स्पेसिफिकेशन में मेंशन होता है। सोशल कैरेक्टर कैसा है, क्योंकि जो जॉब है हम उसके लिए जॉब है वो मतलब क्या वो सोशल, जैसे एक सेल्समैन है उसके लिए तो सोशल होना ज़्यादा ज़रूरी है ना, तो जो मान लो अकाउंटेंट है उसके लिए तो इतना ज़रूरी नहीं है, पर अगर सेल्समैन रखना है तो उसके लिए तो सोशल होना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें जॉब स्पेसिफिकेशन में रहती हैं, उसका बिहेवियर कैसा है। ठीक है गाइस, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, सो थैंक यू गाइस।